क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, तो कुछ फिगर दिए हैं, उसमें आपको एंगल मेजर ऑफ एक्स बताना है ना, कि एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ पार्ट ए पहले लेते हैं। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में पता है मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा। अब देखो, ये तो क्वाड्रिलेटरल है ना, 1 2 3, नाम रख दूं मैं इसका, चलो नाम रख देता हूं ए, ठीक है ना, बी सी डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो गया, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 साइड्स है, कौन कौन सी, ए बी, बी सी, सी डी और एडी। ठीक है, आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360, ये बात आपको पता है। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, एंगल सम फॉर पॉलीगन, एंगल सम फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगन, फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए बच्चों एंगल सम का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है। ठीक है ना, वेयर n इज वॉट, नंबर ऑफ साइड्स, n की, n क्या होता है, कॉपी में नोट लगाएं, n क्या होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, n क्या होता है, n होता है क्या, नंबर ऑफ साइड्स। तो सबसे पहले आप एक काम किया करिए, जब भी आपको कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन मिले, ठीक है ना, तो आप चेक कर लो उसमें कितने साइड्स हैं, n, n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखो, फिर आपको एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन पता चलेगा। ठीक, फिर आप आगे उस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करोगे, कैसे करोगे हम आपको बताते हैं, ध्यान से चेक करो। यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू कितनी होती है, 4, क्योंकि टोटल 4 साइड्स हैं, चेक कर लो, 1 2 3 4। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू यहां हम क्या रखेंगे, 4 रख दीजिए, n की जगह हमने 4 रखा, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना होगा, 4 माइनस 2, 2 होता है, 2 इंटू 180, तो यहां से आंसर आएगा आपका 360। मतलब समझो, मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सबका सम कितना है, 180। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए और प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने लगा दिया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप एंगल ए की वैल्यू रखो कितनी, 130, तो एंगल ए की जगह आपने लिखना है कितना, 130, और प्लस एंगल बी की जगह आपको कितना लिखना है, 50 लिखना है, और प्लस एंगल सी की जगह बच्चों x लिखना है, एंगल सी की जगह इन्होंने x दिया है, तो एंगल सी की जगह x कॉपी कर दीजिए, और प्लस एंगल डी की जगह बच्चों 120 कॉपी कर दीजिए बस, और इज इक्वल्स टू में कितना है, 360 डिग्री है। अब ध्यान दो, ये क्या बन गया, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, है ना भाई, चेक करो ना, वेरिएबल कौन है यहाँ, x है, x की वैल्यू निकालनी है आपको, और पिछले चैप्टर में ऐसे इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था। क्या करते हैं, 130, 50 और 120, 130, 50, 120, इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो 130 प्लस 50 प्लस 1 यहाँ पे ऐड करते हैं, 130 ओके प्लस 50 और प्लस 120, इसको ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, 1 जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, कितना आ गया, 300 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 130 प्लस 50 प्लस 120 हो गया कितना, 300 डिग्री, और साथ में क्या है, प्लस x है, ऐसे ही लिख दोगे, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 300 है इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ के आए हो ना बच्चों, चैप्टर नंबर 2। ओके, सो 300 को राइट हैंड साइड सेंड करोगे, जब आप राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो ये तो x है, x के आगे प्लस है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, 360 डिग्री। अब ध्यान दो बच्चों, ये 300 है, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो राइट हैंड साइड जाएगा इक्वालिटी के राइट हैंड साइड, इक्वल के राइट हैंड साइड, तो 300 माइनस हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी आ जाएगी, चेक करिए, 360 माइनस 300 कितना होता है, 360 में से 300 माइनस करोगे 60 आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60, और यूनिट लिखना ना भूलें, 60 के साथ डिग्री लगाओगे, क्योंकि आप एंगल की बात कर रहे हो, एंगल्स को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में। ओके बच्चों, सो प्लीज नोट कर लीजिए पार्ट एक आंसर।